और मैं जानबूझकर थोड़ी खराब किया पेपर। अच्छा बताएं क्या करूं? तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हें सारिम कह रहा है। उसे तो लगता है कि मैं दुनिया का कोई एग्जाम पास नहीं कर सकती इस घर में रहकर। तुमसे ज्यादा जानता है वो अपने घर के हालात को। इसी घर में रहकर एग्जाम पास करके दिखाऊंगी अब मैं आप दोनों को। मुझे क्यों इस तरह घूर रही हो? तुमने भड़काया ना मामा को फोन करके? मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट के छोले खुद पहुंच जाएंगे अमेरिका तक। भाभी भाभी भाभी, डॉलर ने मुन्नू को कॉइन खिला दिया, जल्दी है जल्दी। क्या? हाँ कैसे? लगता है इस घर को हॉस्पिटल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा मुझे। क्या मुसीबत है यार। कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी। थैंक गॉड भाभी आप घर पे थी, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे समझ नहीं आ रहा अरम ने उसके मुंह में सिक्का डाला कैसे। पता नहीं, मैं फीडर बनाने गई थी और पीछे से डॉलर ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। अच्छा डोंट वरी, अब कोई इशू नहीं है, ईएनटी ने ही बच्ची को क्लियर कर दिया, घर लेके जा सकते हो उसे। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला किसी और को उसका सबब बना देता। आई गेस मुझे हमें घर चलना चाहिए, चाची की बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। भाभी आपका क्या प्लान है? तुम लोग जाओ, मैं बस एक दफा राउंड ले लूं फिर आती हूं। इसको ले जाओ, बहुत रो रही है। बाल बाल बच्ची है आपकी, बच्ची इतनी बुरी कंडीशन में आई थी, थोड़ा ख्याल रखा था। जी, बस गलती हो गई। बेटा आप दोनों को अलर्ट रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ चलो जाओ, वो भी बहुत सही है, चलो जाओ। तुम आते मैं भी अपने रूम में हूँ, ठीक है? पहली बात तो ये कि उस ट्यूटर का कोई तुक ही नहीं बनता कि अपनी बच्ची को यहाँ लाके पलवाए। हमारे पास दो बच्चे कम है क्या चाची? अरे बिन माँ की बच्ची है, आया उसके हैदराबाद चली गई तो ले आया साथ। हम भी तो बिन माँ के बच्चे थे, हमारे बाऊजान ने तो हमें कहीं नहीं छोड़ा। तुम्हारी दो दो चाचीज मौजूद थी इस घर में, यही तो फायदा होता है मिलजुल के रहने का। मैंने तो आज तक नुकसान ही उठाया है और अब मेरी बीवी उठा रही है। इस अफरा तफरी के चक्कर में वो पेपर्स की तैयारी नहीं कर पाई। जान मैंने और सफू भाभी ने तो कहा था ना उसे। कह देना काफी नहीं होता चाची, इंसान को एहसास करना पड़ता है एक दूसरे का। अभी पेपर देकर आई है वो, अब उस ट्यूटर की बच्ची के चक्कर में चली गई फिर दोबारा हॉस्पिटल। तो अभी वापस तो आ जाएगी? हाँ तो जाएगी, जाएगी कहाँ। तो फिर मत भेजना उसको दोबारा, पढ़ा लेना।